इतना बड़ा नाम होने के बाद भी इंटरनेट पे फैले रिव्यूज में फैकल्टी और एकेडमिक्स को इतनी कम रेटिंग्स क्यों दी गई है? क्यों सच लग रही है ये कहावतें कि नाम बड़े और दर्शन छोटे? क्या सच में सिर्फ लोकेशन का फायदा मिल रहा है इस कॉलेज को? हेलो दोस्तों, मैं सिमरन कॉलेजेस 18 की तरफ से आज आई हूँ गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का रिव्यू लेकर। आज हम एक डीप एनालिसिस करेंगे कॉलेज के इंफ्रा, प्लेसमेंट्स, बैकग्राउंड, लोकेशन, फैकल्टी और यहाँ की मैनेजमेंट की। सबसे पहले शुरू करते हैं कैंपस टूर से। गलगोटिया के लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन काफी प्राइम है और एजुकेशनल हब में लोकेटेड है। कैंपस नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है, जिसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है, जो सिर्फ 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। कॉलेज इजी टू रीच है बच्चों के लिए, प्लस सेफ्टी के मामले में रेटिंग्स काफी हाई है इस कॉलेज की। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2000 में था, तब से कॉलेज ने काफी सुर्खियां बटोर ली है। आज कॉलेज को लगभग 23 साल हो चुके हैं। कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, प्रोग्राम्स NBA एक्रेडिटेड है और कॉलेज NIRF में टॉप 200 रैंकिंग में भी शामिल है और एफिलिएटेड है AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि डिग्री वैलिड है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के कॉलेज करवाता है, जैसे कि BTech जिसमें कि स्पेशलाइजेशंस भी है, MBA, MCA जैसे कोर्सेज भी ये कॉलेज आपको करवाएगा। यहाँ की फीस की अगर हम बात करें कि कितना पैसा हर साल आपको देना होगा, तो 1,15,000 के आसपास फीस पड़ेगा साल का, जिसका पूरा डिटेल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कैंपस लश ग्रीन है, जो करीब 20 एकड़ में फैला हुआ है और स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ में वेल इक्विप्ड लैब्स, इंटरनेट फैसिलिटीज और लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी में अप्रोक्सीमेटली 55,000 वॉल्यूम्स के साथ 6,100 टाइटल्स अवेलेबल हैं। लाइब्रेरी में सारे इक्विपमेंट्स जैसे स्कैनर्स, बारकोड रीडर्स और लेजर प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिए काफी प्रोफेशनल्स हायर किए गए हैं सिर्फ लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए। दोस्तों, हॉस्टल फैसिलिटीज में बॉयज और गर्ल्स दोनों अवेलेबल हैं, जिसके साथ मेस, लॉन्ड्री और पावर बैकअप जैसी एसेंशियल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। और अगर क्लेम्स की माने तो बच्चों के लिए एकदम घर जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी आन और शान की अगर बात करें तो वो है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। तो यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों में ही परफेक्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है। बच्चे यहाँ अपने मनपसंद गेम्स खेल सकते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और इंडोर गेम्स भी। तो ओवरऑल अगर हम इंफ्रा को रेट करें सो वो A1 है। अब ये तो बात हो गई इंफ्रा की, प्लेसमेंट्स पर भी थोड़ा नजर डालते हैं, जानते हैं कॉलेज की कैंपस लाइफ और प्लेसमेंट्स के बारे में। सो कॉलेज अपने कैंपस लाइफ को लेकर काफी चर्चों में रहता है। यहाँ पर फेस्ट,
फ्रेशर पार्टीज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, सेलिब्रिटी परफॉर्मेंसेस भी होती रहती है। अपनी स्क्रीन पे आप इवेंट्स के कुछ ग्लिम्पसेस भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम कैंपस लाइफ की बात करें सो वो काफी अच्छा है। सो प्लेसमेंट्स की बात करें और रिव्यूज को मद्देनजर रखें सो कॉलेज का प्लेसमेंट ठीक ठाक है, पर ऐसा क्यों है? आइए जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहते हैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स के बारे में। रिक्रूटर्स के फीडबैक की माने सो कॉलेज के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कन्वर्जन रेशियो परसेंटेज काफी अच्छा है, लगभग 88%। मतलब हर 100 में से 88 बच्चे इंटरव्यू तो एटलीस्ट क्लियर कर ही देते हैं, विच इज अ गुड सिग्नल। और समर ट्रेनिंग्स का फीडबैक ले सो एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट दिखाया है बच्चों ने, जिसका नंबर 33% से 80% हो गया है। सो ओवरऑल देखा जाए सो प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज एंड स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब जानते हैं कि प्लेसमेंट्स में हाईएस्ट और एवरेज पैकेज क्या रहा था। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 34 LPA का है और मिनिमम 4 लाख का गया हुआ है। अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। एडमिशन यहाँ 2 तरह से होता है, एक है मैनेजमेंट कोटे से और एक AKTU काउंसलिंग पर। एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए मिनिमम 45% और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए मिनिमम 50% होना चाहिए। साथ में एडमिशन AKTU काउंसलिंग और JEE मेंस के बेसिस पर ही होगा। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो कॉलेज में स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नेशनल स्पोर्ट्स कोटा और रिजर्वेशन सीट्स पर ही स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सो दोस्तों कॉलेज काफी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और कैंपस लाइफ के मामले में। एकेडमिक्स भी काफी ठीक ठाक है, प्लेसमेंट्स एवरेज है, फैकल्टी नॉट अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के रिव्यूज। बाकी और इनसाइट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ताकि हमारे काउंसलर्स आपको कॉन्टैक्ट करके कॉलेज का पूरा डिटेल दे सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।